दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के करीब 2.5 करोड़ व्यापारियों का जो प्रतिनिधित्व करता है व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, उसके प्रांतीय महामंत्री बरेली के सर्किट हाउस में मौजूद हैं। आज बरेली के तमाम व्यापार मंडलों से जुड़े हुए बड़े बड़े नामचीन व्यापारी, जैसे कि गोपेश अग्रवाल जी को देख रहे होंगे राजन जी के बराबर में, पंकज जी को देख रहे होंगे, अनुज अग्रवाल जी है, भुवना जी है, ऐसे तमाम नामचीन व्यापारी हस्तियां इस व्यापार मंडल में शामिल हुई हैं। क्या बोले हैं व्यापार मंडल में शामिल होने के बाद ये सभी नए व्यापारी नेता इस व्यापार मंडल के लिए, आइए सुनते हैं सबकी बात। जुड़िए राजेंद्र गुप्ता से और नए साथियों से, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। दोस्तों आप किसी ऐप पर हमें देख रहे हो तो प्लीज फॉलो कीजिए, YouTube चैनल पर देख रहे हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके हमारे चैनल। हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, सर्किट हाउस में आप मौजूद हैं, कुछ नए व्यापारी नेता भी आपके बगल बगल हैं, क्या आयोजन है? देखिए 5000 एसोसिएशनों का हमारा व्यापार मंडल है, इकाइयों का, और 2.5 करोड़ व्यापारियों का हम प्रतिनिधित्व करते हैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के बैनर के तहत। तो ये हमारे पूरे प्रदेश में संगठन की शक्ति का इस समय इजाफा का कार्यक्रम चल रहा है। बरेली में भी हमारे साथियों ने कुछ नगीनों को चुना है जो बहुत अच्छे सीनियर और वरिष्ठ व्यापारी हैं, नामचीन व्यापारी हैं, उनको चुन करके आज हमने उनको कुछ प्रदेश नेतृत्व के द्वारा निर्धारित दायित्व दिया है। उसके तहत श्री पंकज अग्रवाल जी को, जिनकी घोषणा पहले भी हो चुकी थी, मंडल प्रभारी के रूप में, श्री गोपेश अग्रवाल जी को जिला प्रभारी के रूप में, और समित अग्रवाल को मंडल सह प्रभारी के रूप में, और हमारे राजीव अग्रवाल जी जिला कोषाध्यक्ष के रूप में, और अनुज अग्रवाल जी प्रमुख समाज से भी है, उनको जिला और महानगर की मीडिया की पूरे मीडिया प्रभार और प्रवक्ता के रूप में उनकी नियुक्ति की गई है। मुझे लगता है कि इन साथियों की ज्वाइनिंग से या पद दायित्व ग्रहण करने से निश्चित तौर पर व्यापारियों की समस्याओं को भी हम बहुत तेजी से हल कर पाएंगे और संगठन की शक्ति में भी हम इजाफा कर पाएंगे, और निश्चित तौर पर हम अपने व्यापारियों के बीच एक अच्छा संदेश लेकर के जाएंगे कि यही एकमात्र ऐसा संगठन है जो व्यापारी समाज की वास्तविक चिंता करता है और वास्तव में अच्छे अच्छे व्यापारियों को अपने संगठन में जोड़ने का विश्वास रखता है। पूरे प्रदेश के व्यापारी उसमें शिरकत करेंगे, वो प्रोग्राम भी हम लोगों को बहुत ज्यादा लंबे स्तर पर बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, और इसको भी करना है। अब इसमें एक दो बातें समझ लेंगी, बाकी तो सब ठीक है, सबके सुझाव बहुत अच्छे आ गए। देखिए मैनेजमेंट की कोई कमी नहीं होगी, भोजन की कोई किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। ये बहुत अच्छा सुझाव आया सुनील जी का कि भाई हम इसको नगर जिले के साथ साथ अगर मंडल के, तो हमारे सारे जिले गठित हैं। पीलीभीत से हमने 15-20 लोगों को बुला लें। हम एक अग्रवाल जी, आज आपने राजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चल रहे व्यापार मंडल की सदस्यता ली, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्यों आपको लगा कि यही संगठन सबसे बढ़िया है? है तो बरेली में बहुत व्यापार मंडल, इसी संगठन व्यापार मंडलों की कोई कमी नहीं है, सही कह रहे हैं आप, परंतु सबसे पुराना और सबसे ज्यादा प्रदेश में हमारे 2.5 करोड़ सदस्य हैं, सब हर हर जिले पे, हर तहसील में ब्रांच है, हर जितने भी उद्योग हैं उनके सबके अलग अलग बने हुए हैं, सबके लोग जुड़े हुए हैं, उसको लेके मुझे बड़ा हर्ष है कि मुझे जोड़ा गया है और मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। तो अपने बरेली रोहिलखंड मंडल में कैसे इनके सब जगह खुले हुए हैं, लेकिन फिर भी जहाँ कमी है वो दूर करी जाएगी। मैं गोपेश कुमार अग्रवाल, आज मैं अपने लोकप्रिय व्यापारी नेता और प्रदेश महामंत्री श्री राजेंद्र गुप्ता जी के साथ में इस व्यापार मंडल में जुड़ा हूँ। अब जानना चाहेंगे इसका क्या कारण है कि भाई व्यापार मंडल के साथ में आप आकर क्यों जुड़े? तो निश्चित रूप से मैं 30 साल से व्यापार मंडल की राजनीति कर रहा हूँ, और बहुत मनन करने के बाद में मैंने ये महसूस किया कि लोगों ने जैसे ऐसा लगता है कि दुकानें खोल रखी हैं, जहाँ पर कोई मतलब उसका स्ट्रेंथ ही नहीं है व्यापार मंडल की। कोई एक पर्टिकुलर आदमी देखा और वो जो है अपने को हाईलाइट करने में लगा रहता है। तो मेरा ये महसूस करा मैंने कि राजेंद्र गुप्ता भाई का जो व्यापार मंडल है, ये ही बरेली में, और बरेली में क्या पूरे प्रदेश में व्यापार मंडल है, और मुझे अच्छा लगेगा काम करने का, इसीलिए मैं इस व्यापार मंडल के साथ जुड़ा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा महसूस कर रहे हैं राजेंद्र गुप्ता जी के साथ व्यापारी राजनीति की नई पारी शुरू करते हुए? मैं प्रिंट मीडिया से लंबे समय से जुड़ा हूँ, और मुझे लगता था कि
व्यापारियों की बात, उनके संघर्ष, उनके हक की बात मीडिया के माध्यम से समाज में और शासन प्रशासन तक पहुंचे, इसलिए मुझे यह दायित्व दिया गया है। मेरी कोशिश रहेगी कि हमारे जो भी कार्यक्रम हो, जो भी व्यापारियों के हक की बात हो, उसको जोर शोर से हम शासन और प्रशासन तक मीडिया के माध्यम से पहुँचा सकें। मैं इस संगठन से इसलिए जुड़ा हूँ कि श्री राजेंद्र गुप्ता जी जो इतने कर्मठ आदमी हैं और ये व्यापार मंडल वाकई में व्यापारियों के लिए काम करता है, तो यही देख के मैंने अपनी जो है उसमें दी है कि मेरे को मैं भी इसमें संग काम करूं और संगठन को और मजबूत कर सकूं। थैंक यू। मैं अग्रवाल, मुझे आज व्यापार मंडल में मंडल सह प्रभारी की भूमिका का दायित्व निभाने के लिए आदेश हुआ है और मैं अपने पद की गरिमा मर्यादा बनाकर विश्वास दिलाता हूँ अच्छे तरीके से ईमानदारी से ये कार्य करूँगा और पूरे मंडल में प्रयास करके अच्छे कार्यक्रम आयोजित कराने का प्रयास करता है। अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, ये बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे व्यापार मंडल में शहर के बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यापारी जुड़ रहे हैं। इससे हमारे समाज को, हमारे व्यापारी समाज को भी प्रोत्साहन मिलेगा और हमारा व्यापार मंडल और सुदृढ़ हो पाएगा। थैंक यू।